जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद जी। सरदार जी, सरदार सुखदेव सिंह दिमसा। सुखदेव सिंह दिमसा जी, चेयरमैन सर, वैसे कई दफा किस्मत कहीं से कहीं ले जाती है, तो मैं स्टेट पॉलिटिक्स में था और 72 में इंडिपेंडेंट एमएलए बना, चार दफ़ा मैं एमएलए बना और सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार में भी मंत्री रहा। लेकिन 1985 के बाद इलेक्शन ही हुई, पंजाब के हालात आप जानते हैं, बहुत ख़राब हो गए। 92 में हमारी पार्टी ने बाइकआउट कर दिया और 97 में किस्मत गुनाती है तो मैं इलेक्शन हार गया। तो उसके बाद पार्टी ने मुझे यहाँ पर भेजा, तो कुछ दिन के बाद मैं अटल जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री आया, तो आप भी उस वक्त थे, बहुत खुशी हुई। और उसके बाद मेरा यहाँ पर ही एक ऐसा हुआ कि सारी दुनिया में घूमे और यहाँ पर भी उन्होंने बहुत मान सत्कार भी दिया जैसे उनका स्वभाव था। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद 3 दफ़ा मैं साउथ में रहा और 1 दफ़ा लोकसभा में रहा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वापस जाने का कभी जी नहीं करा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मिलने का वक्त मिला, लीडर को मिलने का वक्त मिला। कोई बहुत स्टेट्स के थे, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर था, डिफरेंट लैंग्वेज थी और खाने पीने का भी डिफरेंट था, तो उनसे मिलकर बड़ी खुशी होती है। तो मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ सभी लीडर्स का। और मैं जो अभी प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी कैबिनेट है, तो उन्होंने मुझे प्यार दिया, जब मिले उनको उन्हें मुझे कभी जवाब नहीं दिया किसी बात के लिए। मैं उनका भी भारी हूँ और ख़ास करके सर आपका और आपके स्टाफ का, डिप्टी चेयरमैन साहब का, सेक्रेटरी जनरल का और सभी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कोशिश की। लेकिन हम मुश्किल ये है कि हमें टाइम बहुत कम मिलता रहा, क्योंकि पहले तो हम 3 थे, फिर मैं अकेला रह गया, तो आपकी मजबूरी थी। जब कभी टाइम मांगते थे तो 1 मिनट या 2 मिनट मिलते थे, उसमें हमें कुछ बोल भी नहीं सकते थे, इसलिए हम बहुत कम यहाँ हाउस में बोल सके। इसलिए मैं एक भाई सभी भाइयों को ये कहना चाहूँगा, मेरे साथी हैं जो सभी, कि मैं कोशिश की है, जिससे मिला उन्होंने प्यार दिया, सब कुछ किया, लेकिन मैं किसी से कोई बुरी बात नहीं की। लेकिन अगर किसी से हुआ है, मेरे से किसी का दिल दुखाया गया है, तो उसकी मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। धन्यवाद। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि 22-23 साल हो गए यहाँ पर आए और मुझे ये जरूर है कि इनको मिस करूँगा। और मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि यहाँ पर बैठे हमारे गुजराल साहब, जब हमारी एक पार्टी थी, अब तो मैं उनसे अलग हो गया, लेकिन उनका प्यार अभी तक भी मेरे साथ है। चाहे मैं पार्टी मेरी दूसरी चली गई, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे बड़े भाई की तरह प्यार दिया, उनका भी बार बार करता हूँ। और मैं चेयरमैन साहब फिर आपका भारी हूँ, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है, बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपका बहुत बार बार क्रिकेट करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यू आर ओनली 85 ईयर्स दिमसा जी। हाँ जी। यू आर ओनली 85 उम्र 86 होगी सर, हो जाएगी 86। गुड। Yeah, राइट। श्री विवेक थंका, सर आई बी वेरी ब्रीफ सर, बिकॉज आई नीड टू एंजॉय द क्विजीन्स दिस।